नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहे, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मेरी चैनल से सीखिए, मेरी चैनल के वीडियोस देख देख के बहुत से लोगों ने कहा है कि सर आपके वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव रहते हैं और हमें बहुत अच्छा गाइड करते, तो आपके बोलने का ढंग भी अच्छा है। तो मैंने ऐसे अच्छे तरह से मैं बोला ठीक है, मैं बोलता हूँ। अगर मेरी तरह मैं अगर ऐसा बोल के आपको अगर मालूम पड़ जाए तो अच्छा है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ। तो दोस्तों, एक्टिंग के बारे में जो भी होता है उसके बारे में मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों, मेरी चैनल अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जो मैं इसमें दिखाऊंगा, तो उस पर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए। दोस्तों, आज का अपने से बहुत से लोगों ने पूछा है कि कास्टिंग डायरेक्टर हमारे सवाल के जवाब नहीं देता, या तो हमसे मिलता नहीं या तो हमें टाइम नहीं देते। एक्चुअली क्या है, कास्टिंग डायरेक्टर बहुत काम रहता है तो वो शायद आपको नहीं मिल पाते। और फोन नंबर या तो फिर ईमेल आईडी अगर उनका हो तो ईमेल आईडी पे आप अपने फोटोज लिंक या फिर जो भी है ऑडिशन लिंक भेज दीजिए। उससे क्या होगा कि वो जब भी टाइम मिलेगा तो ऑडिशन लिंक देखेंगे और आपको बुला भी सकते हैं। और ऑडिशन देने टाइम पे आप जाते हो तो उसमें तो इनके पास बहुत टाइम कम रहता है, तो उस टाइम में उनको जो आर्टिस्ट चाहिए, जो कैरेक्टर चाहिए वो लोग ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों, ये मत समझिए कि आर्टिस्टों के साथ बात नहीं करते या जो भी है कास्टिंग डायरेक्टर वो बात नहीं करते, क्योंकि उनको काम का इतना प्रेशर रहता है, इतनी हो जाता है। तो आप बुरा मत लगाइएगा, आपको ऑडिशन देना है। अगर ऑडिशन में फिट बैठते हो, वो कैरेक्टर में फिट बैठते हो तो आपको जरूर बुलाएंगे। और उनके पास बैंक रहती है, बैंक में वो लोग जमा भी करते हैं। उनको आपके ऑडिशन लिंक, अगर उनको अच्छा लगता है तो आपके ऑडिशन लिंक ऊपर वो क्रिएटिव के पास बैठते, क्रिएटिव वाले फिर ऑडिशन लिंक जो भी आपकी होती है वो चैनल के पास बैठते। अभी क्या होता है, क्रिएटिव को अगर अच्छा लगा क्रिएटिव डायरेक्टर को तो वो आगे भेजेगा चैनल में। चैनल में क्या पूरी उनकी कमेटी रहती है, वो देखते हैं कि चलो ये कैरेक्टर को आपने पसंद किया है तो एक अकेला आपका ही नहीं भेजेंगे, चार पांच जो भी जिनको भी सिलेक्ट किया है उनके सबके एक ऑडिशन लिंक भेजते हैं। और ऑडिशन लिंक पे से वो लोग चूज करते हैं, तो उसमें से क्या है, पांच छह लोग बैठे होते हैं कमेटी के, वो देखते हैं कि कैसा है, लड़के की आवाज कैसी है, कैसा बोलता है, कैसा चेहरा है, सब कुछ देखते हैं और उसके एक्सप्रेशन देखते हैं। यानी वो वहां से गुजर के आपको जाना पड़ता है। अगर चैनल से पास हो जाता है तो फिर आपको बुलावा आता है, फिर आपको कैरेक्टर के लिए फिट होते हो। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं कि क्योंकि हजारों लोग रोज के ऑडिशंस देने आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। मुंबई में तो अभी वापस ये कोरोना का थोड़ा माइल्ड हो गया, तो कोरोना के बाद तो अच्छा हो गया, की वजह से बहुत से लोग आज भी आते हैं। हजारों लोग वीटी स्टेशन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, बांद्रा पे, यहाँ पे आते हैं। सबके मन में एक ही ख्वाहिश रहती है कि मैं हीरो बनूंगा, मैं कैरेक्टर बनूंगा, या तो टीवी में या फिल्मों में या तो फिर वेब सीरीज में मैं कुछ बन पाऊंगा। अच्छी बात है, करना ही चाहिए, क्योंकि हर जिस तरीके से हमें काम की जरूरत है वैसे ही हर कास्टिंग डायरेक्टर को एक्टर की जरूरत रहती है। वो भी ढूंढते रहते हैं किसी को, और उसके पहले भी अगर कास्टिंग डायरेक्टर को कोई कैरेक्टर नहीं मिलता तो लोग दूसरे एजेंट्स जो भी होते हैं उनको बोलते कि वो एजेंट्स लोग क्या करते, कॉलेज में चले जाते हैं या तो फिर ड्रामा इंस्टीट्यूट होती है या तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती है, वहां पे जाके वो लोग ढूंढते हैं इस प्रकार के, ये स्पेशल कोई कैरेक्टर चाहिए, तो उस टाइप के कैरेक्टर को ढूंढते हैं और वहां पे वो लोग भेजते हैं। उससे क्या होता है कि वो फिर बाद में आपका ऑडिशन होगा, तो ऑडिशन में तो क्या लाखों, पांच सौ, हजारों लोग आते हैं, तो उसमें बुरे मानने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको लगता है कि चलो मैंने ऑडिशन स्क्रीन भेज दिए तो मेरा हो जाएगा, हो जाएगा बोल भी नहीं सकते, और ये भी नहीं कह सकते हो क्योंकि आपको साइड में रख दिया। साइड में नहीं रखते, वो लोग अपने बैंक में रखते हैं और जब भी उस टाइप का कैरेक्टर की जरूरत होती है तब वो बुलाते हैं, आपको बात भी करते। मुझे भी ऐसा हुआ था, एक दो बार मैंने ऑडिशन दिए थे तो मुझे लगा ठीक है चलो एक साल हो गया, दो साल, अभी कुछ आएगा नहीं। लेकिन अचानक एक कास्टिंग में से फोन आ गया और वो सीरियल थी कसौटी जिंदगी की, उसमें मैंने चार पांच दिन का काम भी किया था, एज ए बैंक मैनेजर का काम था। क्योंकि उन्होंने जब ऑडिशन में पूछा था कि आप क्या काम कर रहे, तो मैंने बताया था कि मैं बैंक में ऑफिसर हूँ, तो फिर उनको मालूम था कि इनको वर्ड्स या बैंकिंग के जो भी नॉलेज होती है तो वो लोग अच्छा कर पाए नहीं। फिर मुझे उसमें मैंने वो बैंक का कैरेक्टर, बैंक मैनेजर का कैरेक्टर किया था, बहुत पहले की बात है, कसौटी जिंदगी के मैं किया था। तो दोस्तों, ऐसे होता है, यानी ये मत समझिए कि आपको भूल गए या तो आपको बुलाएंगे नहीं। एजेंट लोग कहीं भी, कास्टिंग एजेंट या कास्टिंग
डायरेक्टर या ऑडिशंस वाले सब लोग आपको बुलाते हैं, तो हर ऑडिशंस हर प्रोडक्शन हाउस में जाइए, आपके ऑडिशंस लिंक दीजिए, कहीं ना कहीं से तो आपको बुलावा आ ही जाता है। तो अगर आ जाएगा, और एक दूसरी बात, उनको तो कास्टिंग डायरेक्टर, आप लोग बोलते हो ना कि कास्टिंग डायरेक्टर जवाब नहीं देता, ये नहीं होता है, कुछ बात नहीं करते, तो कास्टिंग डायरेक्टर को तो हजारों फोन आते हैं रोज के, हजारों लोग मिलने आते हैं, ऑडिशन वीडियो ये लिंक ये वो सब भेजते रहते, तो उनको टाइम सर्टन टाइम में उनको ये सब करना होता है। अगर आप भेजते हो कुछ भी मिलता है, या तो ऑडिशन लिंक या तो आपने ऑडिशन दिया है, तो ऑडिशन में क्या हो जाता है कि वो अगर आप उस कैरेक्टर के लिए फिट हो तो आपको जरूर बुलाएंगे, बुलाते ही है हमेशा एक्टर में। ठीक है, अच्छी बात है, एक्टर को लगता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं, मैं अच्छा काम कर पाऊंगा, वो खुद जानता है, लेकिन जब तक ऑडिशन होता नहीं है, ऑडिशन में आप सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन के बाद क्रिएटिव में क्रिएटिव भी पास करता है, और उसके बाद जब चैनल पे पास होता है, चैनल के पास होने के बाद भी आपने सीरियल या फिल्म या तो वेब सीरीज जो भी कर लिया, उसके बाद मेन कौन होता है, सही बोले, मेन होता है ऑडियंस। ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो ही आप बन जाओगे रियल में एक्टर। बोले अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, सब कुछ कॉन्फिडेंस होना जरूरी और होना ही चाहिए, हर कैरेक्टर को अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ही वो काम कर सकता है, कैमरा के सामने बोल सकता है, बातें कर सकता है, जो भी डायलॉग्स है वो सब कर सकता है और कैरेक्टर निभा सकता है। दूसरा, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा है कि हीरो हीरोइन के लड़कों को ही चांस मिलता है। हाँ, होता है, कभी कभी होता है, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर्स या तो डायरेक्टर जो भी बोलते कि इस लाइन के जो हो, तो जिनका माहौल जिसके घर में फिल्म वाला हो, तो जिसके पिताजी या तो जिसकी माताजी हीरोइन रही हो, हीरो हीरोइन रहे हो, तो उनको क्या माहौल रहता है, तो उनको थोड़ा सा बोलते हैं ना कि बाप में गुण है तो बेटे में आएंगे, तो वो लोग यही सोच के आते हैं कि चलो उनके पास उनका लड़का है तो उनमें गुण होगा, तो ऐसा होता है, और दूसरों से अच्छे थोड़ी सी ज्यादा कुछ एक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कलाकार में कम होता, कम कोई नहीं होता, उनमें ज्यादा, क्योंकि वो माहौल वही रहता है, तो माहौल के हिसाब से उनमें आ ही जाते थोड़े से गुण, तो इसीलिए प्रोड्यूसर या डायरेक्टर चाहते हैं कि अगर कोई हीरो का लड़का हो या कोई हो तो हो जाता है। लेकिन अभी आजकल वो हीरो सिस्टम बंद हो रहा है, क्योंकि जो कैरेक्टर आप करोगे, विलन का हो, कॉमेडी हो, या तो फिर हीरो का हो, अगर उसमें आप खरे उतरे तो आप हिट हो। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि आपने विलन का रोल कर लिया तो ये नहीं, विलन का भी करोगे तो भी आप हिट हो जाओगे। कंटेंट, सबसे पहले तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आजकल फिल्में हीरो सिस्टम उस पर नहीं रहती, कंटेंट पे रहती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और सामने वाले आर्टिस्ट ने अच्छा काम कर दिया, आप बन गए हीरो, आप बन गए स्टार, तो उसके लिए मैं कुछ दो तीन एडवाइस दूंगा। कभी कभी भी, मतलब कहीं भी हो, तो बी हम्बल, शांत रहिए, हमेशा नीचे देख के चलिए, नीचे देख के चलिए, यानी अपने आप को गुमान में मत रखिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, एक सीरियल हिट हो गई तो सब समय हीरो समझने लगता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, हवा में उड़ने लगता है, तो बाद में फिर जो भी टेक्नीशियंस लोग होते बोलते हैं हवा में उड़ता है ना, उड़ने तो जमीन दिखेगी तब मालूम पड़ेगा, तो ये हवा में मत उड़िए, बी हम्बल, सबके साथ अच्छा रहिए, बी नाइस टू एवरीबॉडी, छोटे से छोटे कैरेक्टर, छोटे से छोटे आदमी टेक्नीशियंस के साथ अच्छे से बात कीजिए। अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, ये याद रखिए, अगर अच्छा इंसान है तो अच्छा एक्टर बन जाएगा, अच्छा एक्टर है तो अच्छा इंसान बनना जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो पूरा करता हूँ, कल एक नया वीडियो लेके मैं आऊंगा। तो दोस्तों, मेरी चैनल अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।